जय गुरुदेव, जय महर्षि। फास्ट कैलकुलेशन रूल नंबर 14, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एलजेब्रिक बाइनोमियल्स, ऊर्ध्व तिर्यक विधि के द्वारा इसको हम करेंगे। ये विधि वैदिक मैथमेटिक्स में दी हुई है, उसी पर हमने कुछ आपको पहले भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, टू डिजिट का, ये थ्री डिजिट, फोर डिजिट के, फाइव डिजिट तक के भी ये सब चलता है, अगर हम टू डिजिट ले रहे हैं, आपको टू डिजिट नंबर से हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी बाइनोमियल ले रहे हैं, हाँ, ट्राइनोमियल के लिए भी हो सकता है और बड़े एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेंथी मेथड है, हम यहाँ आपको सिंपल मेथड ये आने, तो दो डिजिट के जनरली आपको 10 तक के, दो या तीन के ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आप कर सकते हैं। ये हमने दो ऐसे ये लिए हैं, 2x+7y इंटू 3x-5y, दूसरे में 4x-7y और 5x+2y, ये दो हम ऐसे इस तरह के कई ले सकते हैं, और हम एक दो आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी आप करिएगा। ये है इसके प्रोसीजर क्या है, हम क्या ए पहले वाले को हमने ए ले लिया, इसको बी लिया, सी और ये डी ले रहे हैं, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। तो पहले क्या करना है, ए लेट अस कंसीडर द मोनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो ये ए बी सी डी है, तो ये इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बी डी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी डी के बाद आप ए सी सी का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर ए इंटू डी और बी इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करना, तो ए डी प्लस बी सी और फिर ये वर्टिकल कर लेना, तो ऊर्ध्व सीधे ऊपर ऊपर और तिर्यक ये तिरछे, ये है ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, तिर्यक का मतलब क्रॉस सेक्शन में तिरछा, ये समझिए आप, इनक्लाइंड इसको भी हम कह सकते हैं। तो ये हमें करना, अब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं हम एक एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल हमने लिया है, ये 2x+7y इंटू 3x-5y, तो 2x+7y यहाँ लिख दिया हम, 3x+5y इधर लिख दिया, इसी चीज़ को हमने यहाँ रिप्लिकेट किया है, और ये एरोज लगा दी, ये ऊर्ध्व के लिए लाल एरो है, ये तिर्यक के लिए ऐसा है, इन मगर तिर्यक में क्या करना, इन दो इसका इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऐड कर देंगे, क्योंकि दे आर लाइक टर्म, एक्स वाई इसमें है, इसमें भी आएगा एक्स वाई, तो दे आर लाइक टर्म, तो वी विल कम्बाइन देम हियर। अरे ये वर्टिकल में हमारा एक्स इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ y इंटू y है तो y स्क्वायर होगा। अब देखिए हम यहाँ से लेफ्ट से ही चलते हैं, ऊर्ध्व में ये वाला ले लेते हैं, इस पार्ट को ले रहे हैं, तो 2x × 3x, तो 2 × 3 ओरली कर सकते 6, और x × x, x² हो गए। अब ये देखिए इस पार्ट को करते हैं, तो 2 × −5 − 10 x × y, तो −10xy, ये वैल्यू हमारी आ गई है, ये यहाँ तक वैल्यू −10xy इधर, और ये वैल्यू हमारे इधर, ये जो वैल्यू 7 × 3, तो 21xy, आर्डर में लिखेंगे, वाई एक्स भी लिख सकते एक्स वाई, बट दे आर द सेम वैल्यू, सो एक्स वाई आर्डर में लिखे तो कंबाइन करने में फिर हमें आए। अब ये लाइक टर्म है हमारी, तो लाइक टर्म को क्या है, फिर आगे चल के हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ इस स्टेप में भी चाहो तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, +11xy। अब क्या करना है, इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना, दिस प्लस दिस, तो ये हो गए हमारा कम्बाइन, बाई कलेक्टिंग लाइक टर्म्स वी गेट
सिक्स एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से आप ये दोनों हमने वैल्यू अभी रख दी है, ये वैल्यू और ये क्या है सेवन इंटू माइनस है, तो ये आ जाएगा भाई माइनस ट्वेंटी थर्टी फाइव बाई इसका, तो ये भी फिर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते हैं, और कोई मिस्टेक हो तो उसको एक्सेप्ट करें कोई बात नहीं। हाँ यह है, अब इसमें देख लीजिए जब हमने इनको टर्म को कलेक्ट किया, यहाँ से आ गया आपका सिक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारा आ गया ये टेन माइनस टेन एक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन एक्स वाई, और ये सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव, और ये माइनस है तो माइनस थर्टी फाइव हो गया, या तो थर्टी फाइव वाई स्क्वायर, और इनको जब हमने कंबाइंड किया तो सिक्स एक्स स्क्वायर टेन एक्स माइनस टेन एक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन एक्स वाई माइनस थर्टी फाइव एक्स वाई और सिक्स एक्स वाई प्लस इलेवन, इसको सिंप्लीफाई किया हमने इस पूरे को तो हमारा इलेवन एक्स वाई माइनस थर्टी, फिर हमने इसको आप ब्रैकेट करके यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमने इस सिस्टम में ब्रैकेट हटा दी, तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स वाई प्लस माइनस थर्टी फाइव वाई स्क्वायर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दूसरा इसी तरह से हमने किया है, यहाँ पर ये फोर एक्स माइनस सेवन वाई फाइव एक्स माइनस टू वाई, तो यहाँ देखिए हमने फाइव थ्री एक्स और थ्री एक्स ले लिया हमने भाई, तो ये शुड बी फोर फोर एक्स और ये फाइव है सेवन और ये टू माइनस टू, ये करेक्ट है, तो फोर फाइव जा अब ये हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी एक्स स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर फोर टू जा एट, तो माइनस एट हो गया ये, और ये सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, हाँ करेक्ट है एक्स वाई, तो माइनस थर्टी फाइव एक्स वाई माइनस एट एक्स वाई माइनस थर्टी फाइव एक्स वाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सेवन इंटू टू फोर्टीन वाई स्क्वायर, अब इनको हमने रीअरेंज कर दिया, यहाँ सिक्स की जगह अब हमने एट लिख देना है, तो ये थर्टी फाइव माइनस में है एट भी माइनस में है, एक्स वाई तो लाइक टर्म है, तो हम उसको अब 35 में 8 जोड़ देंगे तो ये 43 आ जाएगा, और यहाँ भी ये 43 आ गया, हमने इसको और ये कंबाइन करने से रीअरेंज करने के बाद कलेक्टिंग लाइट टर्म हमारा 6x एक्स स्क्वायर नहीं ये 20x स्क्वायर आएगा, तो काफ़ी हो की होगी तो इसके वजह से ये 6 पुराना वाला आ गया, और ये 20 एक्स स्क्वायर माइनस 43 एक्स वाई प्लस 14 वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया। आप इसको चेक कर लीजिए, और कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और सुधार कर लीजिए, हमने आपको मेथड बताई है। अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते हो तो हमें पता चलता, शेयर करिए क्योंकि ये आनंद है गणित सीखने का, और आनंद को जितना आप बांटेंगे तो विश्व में तो नहीं कम से कम अपने आसपास तो आनंद जरूर फैलेगा, और सब्सक्राइब करिए इसे इस चैनल को अगर नहीं किया, देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक जानकारी लेनी है इसी तरह चीज़ों की तो आप जॉय ऑफ लर्निंग मेथोडिक्स पढ़िए, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जय गुरुदेव जय महर्षि, हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल भी दे रहे हैं, और ये आप करके देखिए, थोड़ा टाइम लगाइए आधा घंटा 40 मिनट, और आप इस पर इस तरह ऊर्ध्वतिर्यक विधि से मोनोबायनोमियल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर देते, उसमें आप मास्टरी हासिल कर लीजिए, निपुणता हासिल करिए, और आप खूब अच्छे से पढ़े, गणित समझे, गणित में महारत हासिल करें,
ये पूर्णता हासिल करें, यही हमारा उद्देश्य है। जय गुरुदेव, जय महर्षि।